हेलो गाइस, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि CISF हेड कांस्टेबल एंड AIS स्टेनोग्राफर का जो अप्लाई चालू हो चुका है, जो कि आपको 26 सितंबर 2022 से ही चालू हुआ है और उसका जो लास्ट डेट है आपको 25 अक्टूबर 2022 दिया गया है। इसमें जो है आपको जनरल OBC EWS के लिए ₹100 लग रहा है, SC ST के लिए ₹0 लग रहा है, ठीक है। इसका जो है एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं दिया गया है। इसमें एज लिमिट के बारे में जान ले तो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 25 साल दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको दो पोस्ट दिया गया है, ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। इसमें आपको दोनों में कंप्यूटर मांग रहा है, यानी कि आपको टाइपिंग जो है होना ही चाहिए। स्टेनोग्राफर इसमें तो आपको 80 WPM चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो है हेड कांस्टेबल, ये 12th लेवल है, आपको जो है इसमें आपको 35 WPM यानी कि 35 का स्पीड आपका इंग्लिश का होना चाहिए और हिंदी का आपको 30 का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपको टोटल पोस्ट है 540, ठीक है। इसमें जो आपको डायरेक्ट मेल है आपको 94 सीट दिया गया है, उसके बाद जो है आपको फीमेल का आपको 10 सीट दिया गया है और LDCE का जो है ये डिपार्टमेंटल है वो आपको 18 सीट दिया है। टोटल 122 आपको ASI स्टेनोग्राफर में दिया गया है और उसके बाद जो है हेड कांस्टेबल में आपको टोटल 418 सीट दिया गया है, जिसमें मेल 319 है, फीमेल 36 है और डिपार्टमेंटल जो है वो आपको 63 दिया गया है इसमें। और जो है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा, इसमें आपको देख लीजिए जनरल SC WBC और मेल के लिए जो आपको हाइट 1.65 मांग रहा है, चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो है फीमेल के लिए 155, चेस्ट इसमें कोई नहीं दिया गया। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 162.5, 76-81 जो है आपको चेस्ट दिया गया है। उसके बाद जो है आपको इसका अप्लाई चालू हो चुका है। आप लोग जो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसका वीडियो भी मैं आपको अप्लाई का डाल दूंगा। तो आज के वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।